लेकिन डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन और इधर लिख लीजिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, है ना। लिख लो आ सॉल्यूशन विच ओबीज राउल्स और कल आपको बताया था राउल्स लॉ द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का सम दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी उनका सम टोटल वेपर प्रेशर के बराबर होता है, ऐसे ही तो कह रहा था राउल्स लॉ। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल प्रेशर, और इस पार्शियल प्रेशर की क्या वैल्यू है, प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल। तो जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, इस इक्वेशन को ओबे करता है, वो आइडियल कहलाता है। अब ध्यान रखना यहां से मैं जो बोलूं उसे ढंग से समझो, आपके कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन तुरंत तैयार हो जाए। इसका उल्टा बोलो डू नॉट राउल्स लॉ, तो जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जो नहीं करते इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर इनके बराबर नहीं होगा, अगर इक्वल होता तो आइडियल हो जाते, नहीं है तो नॉन आइडियल। क्लियर है। दूसरी बात यह है कि जो डेल एच ऑफ द मिक्सचर है वो जीरो होता है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है भाई, तो देखें बोर्ड पे जरा। आप मुझे बता सकते हैं आपने 11th में पढ़ा है, देखो कि अगर डेल एच चेंज इन हीट लेस देन जीरो या नेगेटिव हो तो बताइए रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता, हीट इवॉल्व होती है बाहर निकलती। अगर डेल एच ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव हो जाए तो आप बोलेंगे रिएक्शन एंडोथर्मिक, मतलब हीट आपको चाहिए, इसमें इवॉल्व हो रही है इसमें चाहिए, हीट एब्जॉर्ब हो रही। तो अगर डेल एच जीरो से कम है तो एक्सो, जीरो से ज्यादा है तो एंडो। लेकिन बताइए आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं जिनका डेल एच क्या होता है, जीरो। इसका मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन है वो ना तो एक्सो होंगे ना एंडो, भाई एक्सो में डेल एच जीरो से कम होता है एंडो में ग्रेटर होता है, लेकिन ये तो जीरो के बराबर है। तो आपसे कोई पूछे आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं तो बताइए द रिएक्शन इन विच नीदर हीट इवॉल्व नॉर इवॉल्व, समझ रहे हैं आपको, बस लिख लो देना सा लेते हैं ब्रैकेट में लिख लो, क्या मतलब है इसका बताइए। नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, भाई ना जीरो से कम है ना बड़ा है, जीरो के बराबर है एग्जैक्ट। इसका मतलब रिएक्शन जो है आपको दिखाई दे रहा है वो आइडियल है। दूसरा दूसरा ये है, उल्टा कर दो इसका, आइडियल में
डेल एच ऑफ द मिक्सचर चेंज इन हीट ऑफ द मिक्सचर वो जीरो। इसका मतलब समझे इतनी में क्या है। देखिए एक मैंने वेसल में दो लिक्विड्स लिए ए और बी मिला दी, भाई ए और बी दो ही तो लिक्विड लिए आपने मिला दी, इनके मिला देने पर ना तो हीट इवॉल्व हो रही है एक्सोथर्मिक ना एब्जॉर्ब हो रही, तो समझ लेना वो आइडिया। अब इसका उल्टा कर दो, डेल एच ऑफ द मिक्सचर इज नॉट इक्वल, भाई यहां जो लिखोगे उसका उल्टा लिखोगे तभी तो ये आइडियल है वो नॉन आइडियल। इसमें टोटल वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर था, इसमें नहीं, इसमें डेल एच जीरो के बराबर था, इसमें नहीं। अब ये मैं जो नहीं बोल रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन और तैयार होगा, इसके भी दो पार्ट मिलेंगे आपको, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब चूंकि जगह नहीं है नहीं तो एक साथ ही बताता इसको भी, क्लियर हो रहा है। तो जो यहां बोलोगे उसका उल्टा करते जाना वहां पर, ये इसके जीरो के बराबर है ये नहीं है, ये इसके बराबर है ये नहीं है। तीसरा डेल वी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो, डेल वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, क्या जीरो का मतलब समझ रहे हैं। देखो डेल का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो होता है डेल का मतलब, तो ये आ गया वी टू इक्वल टू वी। इसका मतलब जो वॉल्यूम शुरू में था वो ही बाद में है, कोई चेंज नहीं हो रहा। अब इसका उल्टा बोलो जरा, नॉन आइडियल क्या होंगे, इज नॉट इक्वल टू, मतलब जिसमें इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो। मतलब समझो कैसे, एक क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर 20 ml एक सॉल्यूशन है ए और 20 ml एक सॉल्यूशन है बी, इनको जरा ऐड करना, बताओ कितना आ रहा है। अगर ये आ जाए, बताओ शुरू में टोटल वॉल्यूम कितना था 40, फाइनली कितना आ रहा है 40, कोई चेंज हुआ तो क्या कहलाएगा ये आइडियल। और मान लो इनको ऐड करने पे 41 आ जाता या 39 आ जाता, तो क्या जो इनिशियल वॉल्यूम था 40 क्या वो फाइनल आ रहा है, फाइनल आ रहा है, तो समझ लेना अगर ऐसा आ जाए तो वो नॉन आइडियल। और अगर जो इनिशियल है टोटल वही फाइनल आ जाए, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा हो, तो वो आइडिया। ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इफ 20 ml ऑफ ए एंड 20 ml ऑफ बी मिक्स टूगेदर दे फॉर्म सॉल्यूशन, समझे, हैविंग वॉल्यूम 41 ml, दिस इज आइडियल और नॉन आइडियल, नॉन आइडियल। आना 40 चाहिए था, आ रहा है 41, आ रहा है 41, इसका मतलब समझ गए आप, हाँ इसका मतलब है बोलना मना है, क्लियर हो गई बात। इधर देखते रहो, ये तीन बातें क्लियर हो गई, चौथी बात देखें, इसको हटा रहा हूं, जगह चाहिए ना थोड़ी। पढ़ते रहना, खत्म होती पूछ लूंगा आपसे क्वेश्चन। फोर्थ डिफरेंस ये है, ये तीन नंबर का क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर बार आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फोर्थ ये है, देखो कि ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स, जैसा आपने ये कंटेनर लिया, इसमें दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स बराबर होता है किसके, सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स। कहने का मतलब ये मान लो बेंजीन, ये टॉलवीन, इनको मैंने ए और बी मान लिया, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स किसके बराबर है,
बेंजीन बेंजीन के बीच में लगने वाला फोर्स और टॉल्वीन टॉल्वीन, मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। वहां क्या बोलूंगा बताइए बेटा? बराबर नहीं। बहुत बड़ी, बस आपको नॉट लगा देना, इज नॉट इक्वल। नहीं समझ में आया हो तो बता, हो रहा है क्लियर? क्लियर। अब एक एक एग्जाम्पल दे देता हूं। इसके एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखने, बल्कि एग्जाम्पल से पहले एक डिफरेंस और ले लेते हैं। आप कहेंगे कौन से सॉल्यूशन हैं जो आपस में मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या खासियत है उनकी? तो ध्यान रखें, लिख लो। मॉलिक्यूल्स और लिक्विड ले लेता हूं, लिक्विड हैविंग सेम नेचर, आप कहेंगे नेचर से क्या मतलब है? मैं बताता हूं नेचर से क्या मतलब है। देखिए, जैसे कोई आपसे कहे ये क्लोरोबेंजीन है और ये ब्रोमोबेंजीन, बताइए दोनों देखने में एक जैसी ही लगती? आप बोले नहीं, मैं लूंगा इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, मैं बोलूंगा बेंजीन एरोमेटिक और टॉल्वीन वो भी एरोमेटिक। इस टाइप के जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे आइडियल सॉल्यूशन, दोनों देखने में एक जैसे ही लगभग लगेंगे आप। इसमें क्या होगा, इसमें सेम नेचर था तो इसमें लिख लो लिक्विड्स और मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंस इन नेचर। एग्जाम्पल लिखो, जैसे ये एसीटोन है, एसीटोन जानते हैं बेटे, ये एसीटोन है, इसमें क्लोरोफॉर्म मिला। अब आपको देखने में थोड़ा अलग अलग लग रहे हैं, तो समझ में आ रहा है? जैसे ये कीटोन है और वो एल्किल हैलाइड है, तो दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। दूसरा और ले लो, ये नाइट्रिक एसिड है, इसको पानी में डाल, बताओ ये एसिड है वो न्यूट्रल है, तो जब अलग अलग नेचर दिखाई दी तो समझ लेना वो नॉन आइडियल। क्लियर हो रहा? तो ये पांच डिफरेंस आपको बताए गए आइडियल और नॉन आइडियल के बीच। क्लियर हो गया? हटा दूं? नहीं लिख पाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, देख लीजिए उसे, ये फायदा है इसका। लिख लिया? यस सर। ये लिख रहा, लिख ले। अब आप मुझे बताइए, अभी आपने पढ़ा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब
इससे हमारा एक क्वेश्चन और तैयार है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए इसके दो पार्ट होते हैं, पहला है पॉजिटिव डेफिनेशन, और दूसरा है नेगेटिव डेफिनेशन। ढंग से देखते रहना बस। थोड़ा सा पीछे ले चल रहा हूं एक मिनट के लिए, देखें अभी अभी मैंने दो मिनट पहले पढ़ाया था आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस, ध्यान आ रहा है आपको? यस सर। पहला, आइडियल कौन से सॉल्यूशन होते हैं साहब? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो होता है इनके सम के बराबर आ जाए तो क्या कहलाता है? आइडियल। इसका उल्टा बोलना जरा, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते मतलब ये सम इनके बराबर नहीं होता। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं इसके बराबर नहीं हूं, इसका मतलब दो बातें, या तो मैं इससे बड़ा हूं या छोटा। भाई मैंने कहा वो सामने एक आदमी रहता है, मैं उसके बराबर नहीं हूं साहब धन के मामले में, इसका मतलब क्या है बताइए? भाई ये थोड़ी है वो केवल बड़ा हो सकता, मैं उसके बराबर नहीं, इसका मतलब है मैं उससे बड़ा भी हो सकता हूं छोटा भी हो सकता। तो आप ये बताइए, ये इसके बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है? दो बातें होंगी क्या? या तो ये इससे बड़ा होगा, अगर बड़ा हो जाए तो समझ लियो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर छोटा हो जाए तो नेगेटिव डेविएशन। इसीलिए नॉन आइडियल के दो पार्ट है, ये इसके बराबर नहीं है, या तो बड़ा है छोटा, अगर ग्रेटर हो जाए तो पॉजिटिव डेविएशन, लेस हो जाए तो नेगेटिव। बताओ क्लियर हो रहा? यस सर। ऐसे ही सारे डिफरेंस लिखूंगा, दूसरा बोले इधर देखते जाओ, रिवीजन भी होता जाएगा। अभी अभी लिखवाया डेल एच ऑफ द मिक्सचर, डेल एच मतलब चेंज इन हीट, ये क्या होती थी इसमें जीरो और इसमें नॉट इक्वल टू जीरो। अब बताओ ये इसके बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब? दो बातें होंगी क्या? या तो ये ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव। तो बताइए बेटा पॉजिटिव का मतलब एंडो होता है, एक्स अभी बताया था एंडोथर्म में क्या होता है? एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही, चीज को रटो मत चीज को समझो। पिक्चर हॉल में गए हो कभी? बहुत बड़ी, तो इधर आ जाओ, इसमें डेल एच उल्टा लिख दो आप, डेल एच ऑफ द मिक्सचर लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, ये एक्सोथर्मिक हो, मतलब हीट क्या हो रही है बेटे? इवॉल्व हो रही है। जैसे आप कभी फिल्म देखने जाओ तो कमरे में बैठ जाओ तो बताइए फिल्म जब चलती है तो गेट के ऊपर क्या लिखा रहता है? एग्जिट। क्या लिखा रहता है? एग्जिट। ये लाल लाल चमकता रहता है। यस सर। इसका मतलब होता है निकास द्वार, मतलब आपको बाहर जाना है तो यहां से निकल, तो एक्सो का नाम पड़ा है एग्जिट, निकलना इवॉल्व होना। तो जब भी एक्सोथर्मिक लिखा रहे तो समझियो एक्सो का मतलब है निकलना इवॉल्व होना, उसका उल्टा यहां लिख दो एब्जो। क्लियर हो रहा है? तीसरा पॉइंट बताना है आइडियल नॉन आइडियल का, तीसरा डिफरेंस क्या बताया था मैंने अभी? तो इसको जो रट रहा है ना उससे बड़ा कहीं हिंदुस्तान में मिलेगा नहीं, ये बता दूं पहले, आपको समझना है। और देख कितनी सिमेट्री आ रही है, देखो वही चीज यहां है कि डेल वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब बता या तो जीरो से बड़ा है या छोटा है, तो लिख दे तीसरा डिफरेंस।
ये दोनों क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं पिछला और ये वाला, ये एक साथ तैयार करना है आपको घर में। जैसे एक क्वेश्चन सम में ले लें, 20 ml ऑफ सॉल्यूशन बी एंड 20 ml ऑफ सॉल्यूशन ए मिक्स टूगेदर, क्या बन गया सॉल्यूशन 41 है। आना तो 40 चाहिए था पर आ गया 41, तो बता ग्रेटर आ रहा लेस आ रहा, तो ग्रेटर आ रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है मिक्सचर, और अगर 39 आ जाता तो आप नेगेटिव डेविएशन बोलते। ये पूछता है एक नंबर सर, हाँ जीरो की जगह इनिशियल वैल्यू आना चाहिए ना, कहां पर जीरो डेल वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है रिएक्शन का शुरू में जो वॉल्यूम था वो बाद में नहीं है। देख कैसे बताओ, चेंज का मतलब ये होता है नहीं होता है, इसे होता है इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के बराबर नहीं, इनिशियल था 40 बाद में 40 नहीं हो, ये है कहने का मतलब नॉन आइडियल का। अब वो पहले 40 था बाद में 40 नहीं है, 41 भी हो सकता है 39 भी हो सकता है, तो उसके बेसिस पर इसको दो हिस्सों में बांट दिया, अगर ज्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव और कम आ रहा है 40 से तो नेगेटिव, क्लियर हो रहा है। चलिए चौथी बात देखो, इसे हटा दूं तीनों को, देखिए ये जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना मैं आपको खड़ा करके पूछ लूंगा, ये सारे ध्यान रखने ना रटने नहीं है क्योंकि बहुत आसान है भाई, डेल एच जीरो है आइडियल, नहीं जीरो है तो नॉन आइडियल, अब जीरो नहीं है इसका मतलब दो बातें हैं, या तो जीरो से बड़ा है पॉजिटिव डेविएशन या जीरो से कम है, ऐसी डेविएशन एटलीस्ट। चौथा सुनिए ढंग से सुनना, इसमें वेपर प्रेशर जो टोटल है वो इनके सम से ग्रेटर, मतलब इसमें वेपर ज्यादा बन रही है, तो आप मुझे बताना जरा ये कंटेनर है इसमें दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी, इनको मैंने गर्म कर दिया और वेपर्स जो बन रही है वो ज्यादा ज्यादा बन रही है वेपर, तो बताओ इनके बीच में लगने वाला फोर्स कमजोर होगा या मजबूत होगा, कमजोर होगा, क्योंकि जब हम गर्म करते हैं तो पहले ये बॉन्ड ब्रेक करता है तब वेपर बनती है, तो ज्यादा वेपर बनने का मतलब है ये आसानी से टूट रहा है तभी तो वेपर बनेगी, अगर ये नहीं टूटे तो वेपर नहीं बन सकती एक भी, पहले इस बॉन्ड को टूटना होता है तब वेपर बनती है, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, नहीं आ रही समझ बस ये चौथा डिफरेंस लिख, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज लेस, अभी तक देखो सिमेट्री से सब में ग्रेटर आ रहा था अभी तक पॉजिटिव डेविएशन, इसमें उल्टा, और क्यों है वो आप समझ रहे हैं, फोर्स कमजोर होगा वेपर्स ज्यादा बने, आ जाए चौथा है बोलो उल्टा, इसमें वेपर्स कम है मतलब फोर्स मजबूत है, क्लियर है लिख लो। पांचवा वो डिफरेंस बता रहा हूं जो मैंने आपको आइडियल नॉन आइडियल में नहीं बताया, एक एक्स्ट्रा इसमें डिफरेंस, देखिए पहले मैं डिफरेंस लिख दे रहा हूं फिर आपको समझाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को पूरा करने जगह चाहिए, ये जो है पॉजिटिव डेविएशन इसको लिख लो, इट इज आल्सो कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप अब ये शब्द कहां से आया है उस पर चर्चा करेंगे अलग से, पहले लिख लो डिफरेंस खत्म हो जाएगा, और इसमें लिख लो इट इज आल्सो कॉल्ड
मैक्सिमम बॉइलिंग है जी। आज हमारे बोर्ड के हिसाब से कम 10 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो गए। आप पूछेंगे कैसे जरा बता, तो मैं अभी बता देता हूं आपको वो क्वेश्चन कौन से हैं जो पूछे जाते हैं 10 नंबर। पहले इसे देखिए, लिख लिया, चल ये हो गए डिफरेंस। अब एक एक एग्जांपल लिखता हूं, बात खत्म करता हूं। तो इसका एग्जांपल आप लिखो, पॉजिटिव डेविएशन लिखें। साइक्लोहेक्सीन प्लस इथेनॉल, अभी लिख लो बस। और इसका एग्जांपल लिख लो, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ये पिछली बार 2019 की बात कर रहा हूं, बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था ये बार कि ये प्रूफ करिए कि ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मिक्सचर है, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, वो मैं समझाता हूं अभी आप पढ़ जाऊं आगे। yes, तो अब हमारे क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं 15 नंबर के। तो पहले मैं इसको हटा दूं, अब आप सारे क्वेश्चन लिख लो पहले एक साइड में जो आपसे पूछे जाए। ट्रोप, क्वेश्चन करे बेटा जो दिए थे मैंने, बहुत अभी आता हूं देखूंगा। देखिए बोर्ड की तरफ, पहला क्वेश्चन राइट द डिफरेंस बिटवीन, ये हमें क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आज हमें जो पढ़ा रहे हैं याद हो गया है तो अभी पूछ लूंगा आपसे ये क्वेश्चन। राइट द डिफरेंस बिटवीन, पहला आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बुक में ही देख लेना कितनी बार बोर्ड में आया ये क्वेश्चन, 3 नंबर। इसमें आपको 4-5 डिफरेंस लिखने हैं जो आज लिख पाएगा। दूसरा क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। लिख रही है? Yes, sir. तीसरा क्वेश्चन है सी, सी क्या क्वेश्चन सेकंड ले लेता, 3-3 नंबर के तो ये होगा। तीसरा क्वेश्चन है लिखो एक्सप्लेन, पहला एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म शोस नेगेटिव डेविएशन, 3 नंबर। चौथा एक्सप्लेन साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन तो समझते हैं 6 कार्बन, एंड इथेनॉल शोज पॉजिटिव डेविएशन, 12 नंबर के तो क्वेश्चन है ना। अब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन देखिए, लेकिन पहला क्वेश्चन, टू लिक्विड्स ए एंड बी बॉइल एट 145 एंड 190 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिव। तो विच ऑफ देम
हैज हायर वेपर प्रेशर, ये बताओ एक नंबर का क्वेश्चन लिख लो, पहले एक एक करके चर्चा करेंगे। क्वेश्चन फोर, लिख रही है? यस सर। ए एंड बी लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग प्रोड्यूस आ वार्म सॉल्यूशन विच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अगर मैं दो सॉल्यूशन ए और बी को मिक्स कर दूं, समझे, तो सॉल्यूशन जो बन रहा है वो वार्म हो गया है, गर्म हो गया है, तो आपको बताना है कौन सा डेविएशन है। एक नंबर, और एक क्वेश्चन इस पर और बताना चाहूंगा, चलो जो बुक में मिलेगा अभी इसे लिख लो आप, वो वही क्वेश्चन था कि 20 ml ऑफ ए एंड 20 ml ऑफ बी मिक्स टूगेदर, है ना। चलो क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चनों का हमें जवाब देना, यहां तक क्लियर हो रहा है? यस सर। तो आपसे पूछ रहा हूं, एक बार आप ये डिफरेंस पांच पांच जो लिखाएं पढ़ लें। सोचो अगर बोर्ड पे बुलाऊं तो मैं क्या लिख दूंगा इन्हें, देखो क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए, पांच पांच डिफरेंस हम बता सकते हैं। yes, अब ये क्वेश्चन मैं आपको दोनों बताने जा रहा हूं, है ना। देखिए, तो इनके लिए मुझे जगह चाहिए होगी, तो इसके लिए पहले ये दोनों खत्म कर लें आप, एक एक नंबर बताना बेटा। इधर देखो मेरी तरफ, मैंने आपको जो पढ़ा रहा हूं इस समय, आप बता सकते हैं क्या पढ़ा रहा हूं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा रहा हूं? कॉलिगेटिव। पिछले लेक्चर को आप वीडियो में देख लें, आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नजर आएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। किस पे? देयर आर फोर टाइप। पहला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी हो रही है, जैसे जैसे पार्टिकल डालता जाऊंगा वेपर प्रेशर नीचे घुस जाएगा। और दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग। बस मैं आगे नहीं जा रहा हूं, ये रुक रहा हूं। पार्टिकल के डालने पर वेपर प्रेशर में कमी हो जाती है, कैसे होती है वो मैंने बताई, और पार्टिकल के डालने पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बताइए वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। एक चीज पार्टिकल के डालने पर लोअरिंग हो रही है, कमी आ रही है, और दूसरी एलिवेशन हो रहा है, तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के रेसिप्रोकल। मेरी बात समझ में आ रहा? तो आप बताइए, कह रहा है दो लिक्विड ए और बी थे, उनके बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए, तो बताए इसमें से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आंसर हो गया, रिलेशन लिख लो आप।
इसे और डिटेल में ले जाऊंगा जब मैं ये वाली प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा, अभी तो मैं पहली वाली पढ़ा रहा हूं। तो जिसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट दोनों में से, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वो पूछ रहा किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये आंसर रीजन लिख दो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताओ ए और बी दो लिक्विड्स पानी में डाल दिए या बर्तन में डाल दिए और सॉल्यूशन जो बना है वो गर्म हो गया, वार्म हो गया, तो इसका मतलब कब होगा, जब हीट निकलेगी या हीट की कमी पड़ रही है, निकलेगी भाई जब इस कमरे में हीट निकलने लगेगी तो बताओ कमरा गर्म नहीं हो जाएगा। अब आप बताओ हीट निकल रही है एक्सोथर्मिक, तो इसका मतलब लेस देन जीरो नेगेटिव आंसर हो गया, ये नेगेटिव डेविएशन आंसर इसका हो गया। लेकिन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, नेगेटिव। और अगर कह देता दोनों को मिलाने से कूल हो गया, सॉल्यूशन कूल हो गया, तो समझ लेना वो एंडोथर्मिक, भाई वार्म तो तब होगा ना, सॉल्यूशन गर्म तो तभी तो होगा जब हीट निकलने लगेगी। दो चीजों को मिलाओ और हीट निकलने लगे तो समझ लो एक्सोथर्मिक इवॉल्व हो रही है। तो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आई, इनके लिए चाहिए हमें स्पेस। देखिए अब ये दो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, क्वेश्चनों को संग की संग घर पे लिख के तैयार किया करो, तब मास्टरी होती है, केवल पढ़ लिया उससे कुछ नहीं। देखें जरा बोल, पहला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी लिखवाऊंगा, नोट्स में लिखा है नंबर बता देता हूं, फिर पहले समझ लो। क्वेश्चन ये है कि ये ऐसी टोन यार नहीं करिए, सबने करिए ना, चलो बताओ अगर मैं इस बर्तन में क्लोरोफॉर्म डाल दूं, बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त मैंने बताई दी है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, फोन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लो एटॉमिक रेडियाई, दो शर्तें होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कौन कौन सी, हाइड्रोजन अटैच विद दोस एलिमेंट हूज लो एटॉमिक रेडियाई, स्मॉल साइज होना चाहिए, और दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। बताओ पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, क्लोरीन, कितनी, 4। फिर ऑक्सीजन, अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो, फिर बताइए ऑक्सीजन की सल्फर जितनी होती है वैसे लगभग, फिर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl जितनी होती है, फिर ब्रोमीन, नहीं याद हो कोई बात नहीं, उसके बाद में याद करने का तरीका है IS, इन तीनों, फिर हिमाचल प्रदेश जो H की है वही फास्फोरस की, और सबसे कम होती है CCM की 0.7, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इस बार IIT में 2020 में सवाल आया है कि बताइए सबसे बढ़िया मेटल कौन सा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, कारण मालूम है एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता रखा है, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन जो होता है वो लीस्ट होता है, जैसी लाइट पड़ेगी सो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चालू हो जाता है, तो CCM इज द बेस्ट मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक, समझ में आ रहा है। तो ये सबकी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दी, इसमें से चार पांच आपको फ्री में मिल रही है, जैसे ISC याद कर लो, ISC बोर्ड जो आयोडीन की है वही सल्फर की होती है, वही कार्बन की होती है, याद कर लो नकल N और Cl दोनों की सेम हो, हिमाचल प्रदेश जो हाइड्रोजन की है वही फास्फोरस, मैक्सिमम वाली तो याद रहेगी रहेगी, ये भी सवाल आया था 2019 में IIT में कि बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस
हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा एक ही साल में दोनों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की और एफिनिटी होती है फ्लोरीन। पढ़ाया आपने पीरियोडिक टेबल, समझ रहे हैं? और ये जो होता है ये बेस्ट मेटल होता है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन, क्यों? क्योंकि इसका वर्क फंक्शन जो होता है वो लीस्ट, क्लियर हो गया? तो मैं ये बता रहा था कि भाई साहब हाइड्रोजन उससे जुड़ जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, तो हाई किसकी होती है? फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन। और साइज भी छोटा होना चाहिए। आपने सुना होगा ग्यारहवीं क्लास में कि भाई ये बताओ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के संग हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, सीएल के संग क्यों नहीं बना रहा? सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसके बराबर है लेकिन साइज बड़ा। दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता। साइज भी छोटा होना चाहिए, आ रहा समझ में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। ऑक्सीजन यहां पर नाइट्रोजन की समझ में आ गई, इसके संग बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके संग क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ज्यादा लेकिन साइज बड़ा होता है सीएल का, जबकि साइज क्या होना चाहिए? छोटा। अब बता, अब ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। बताओ जैसे ही एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में डाला, ओ के सामने कौन आ गया? एच। तो बताओ ओ और एच में क्या हो रहा हो? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, मेरी तरफ देखो। अगर आपसे कोई कहूं ये एक है राम और एक है श्याम और दोनों में बॉन्डिंग हो गई, मेरे हाथ की तरफ देखें, बॉन्डिंग हो गई, दोनों पास पास आ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, तो बताओ दोनों जुड़ गए, तो बताओ स्पेस कम घेरेंगे ज्यादा? तो बताओ किसका डेल वी लेस देन जीरो होता है? किसका वॉल्यूम मिक्सचर का लेस देन जीरो हो जाता है, मतलब कम हो जाता है? नेगेटिव। तो प्रूव हो गया पहली बात, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे क्योंकि दोनों क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम घेरेंगे। दूसरा बता, अगर दो चीज जुड़ जाती है किसी बॉन्ड से तो हीट निकलती है या चाहिए होती है? ऐसे समझो, अगर आपने ए और बी को जोड़ा और दोनों में बॉन्ड बन गया तो बताओ ये रिएक्शन में हीट निकलेगी या चाहिए होगी? निकलेगी। एक्स होता मतलब डेल एक्स लेस देन बी, मतलब नेगेटिव डेल। तो बॉन्ड कभी भी बने दो चीजों से तो हीट निकलेगी। अच्छा ऐसे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं ये बड़ी सी आइटम है, इसमें हथौड़ा मारियो बेटा, इसके टुकड़े कर दे, इसके दो टुकड़े कर दो, तो बता इसको एनर्जी देनी पड़ रही है या मिल रही है? देनी पड़ रही है, हथौड़ा मारना पड़ रहा है। फिजिक्स में इतना तो जानते हैं, मैं किसी बड़ी चीज में हथौड़ा मारूंगा उसके टुकड़े हो जाए। तो अगर कभी भी बॉन्ड टूटता है, ये था बड़ी चीज, तुमने फिजिक्स में एनर्जी दी, टूट गया, तो एनर्जी देने को क्या बोलते हैं पता ही? बोलो, एंडोथर्मी। तो बॉन्ड का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस और फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड एक्सोथर्मिक। तो आप मुझे बताएं, यहां दो चीज जुड़ रही हैं आपस में, दो चीज जुड़ गई तो रिएक्शन कौन सा हुआ? एक्सो। एक्सो का मतलब डेल एच लेस देन जीरो, प्रूव हो गया नेगेटिव डेविएशन। तो आपको ये पेपर में दोनों स्टेटमेंट लिखने पड़े। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये तीन नंबर में क्वेश्चन आया था और ये पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है, दूर से पूरा फिगर भी शायद दिखाई दे रहा होगा, यहां से उसका एक्सप्लेनेशन दिया, दोनों पॉइंट बताए गए हैं किसकी वजह से, ये वाला पॉइंट और ये वाला, आपको बता। पेज नंबर 5, ये हेडिंग डली हुई है, एक्सप्लेनेशन फॉर नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो रहा? हाँ, इसमें ये पॉइंट हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ। एक ही बात, एक ही बात,
हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा, तभी तो पास पास आ रहे हैं और वॉल्यूम कम हो रहा। एक ही बात, ये फोर्थ में ब्रोमीन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होता। हो गया क्लियर? मेरी वीडियो देख लेना, एक दो दिन में आने वाली है शॉर्टकट की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो आप देख, आज सुबह की देखी आपने, शॉर्टकट की के नाम से एक वीडियो मैंने लोड करी है आज, पढ़ी है नहीं पढ़ी है? ये शॉर्टकट की जो लिखी रहती है ना, इन्हें ढंग से पढ़ा करो, क्योंकि इसमें बहुत माल होता है, उसको आप नहीं समझ पा रहे हो, उसे कंपटीशन वाला बैच समझता है। जिसके आगे मैंने शॉर्टकट की लिख दिया, मैं समझो आप भाग्यशाली हो, उसे ढंग से पढ़ लिया। तो आज मैंने जो शॉर्टकट की सुबह भेजी है वो थर्मल स्टेबिलिटी की है, 11वीं क्लास के एस ब्लॉक के क्वेश्चन है, जो कार्बोनेट्स बाई कार्बोनेट्स कैसे टूटते हैं उसका पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करी, घर पर पढ़ के देखना, आप पढ़ते हो नहीं तो फिर लाइक भी नहीं करते हो, लाइक करते तो मैं बेशर्मों की तरह लिखना पड़ता है मुझे भी, लाइक करो नहीं तो ना लाइक कहलाओ। हो गया क्लियर? यस सर। अच्छा आगे बढ़ो, या ऐसा तो नहीं है कि कई लाइक करने नहीं जानते नहीं हो जाता है ऐसे, बता दूं मैं, एक व्यक्ति से मैं कह रहा था, बाहर मित्र है हमारा, कि इसे सब्सक्राइब कर दे, बोला कर दिया मैंने, बात समझ रहे हो, अगर कर दिया है तो फिर मैंने क्या करा, उसको चलाया यूट्यूब, अपनी वाली वीडियो चलाई उसके बगल में, और मैंने सब्सक्राइब करा तो ये बढ़ गया, तुम तो कह रहे कर दिया, बोला अच्छा ऐसे होता है, तो कईयों को मालूम ही नहीं होता, आई क्लियर हो रहा है? नहीं आजकल मालूम नहीं पड़ता है, आजकल मामला अलग चल रहा है, आदमी को हिंदी भी क्लियर नहीं है, इंग्लिश भी नहीं क्लियर, मेरी बात समझ रहे हो? किसी व्यक्ति से पूछ के देखो, जैसे इससे पूछता हूं मैं, बता 77, 78, 69 में सबसे बड़ा कौन सा है? 69, जबकि 69 सबसे छोटा है, किसे कहते हैं 69? 69 को। तो फिर 77, 78, 69 में सबसे बड़ा ये है, मैं बता रहा हूं आपको, लोगों को नहीं मालूम, मतलब हिंदी जो है देश से विलुप्त होती जा रही है डायनासोर की तरीके से, ये कहानी घर घर की है, मैंने इससे जानबूझ के पूछा, ये पढ़ता है एसबीएन में, वहां की हिंदी बहुत बढ़िया होती है, इंग्लिश की तो बात ही मत करो, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा तो सरेंडर कर देगा इसके सामने, इसने कोशिश तो करी। चलो आगे बढ़ते चले, अगला एग्जाम्पल था सेकेंड नंबर का, ये इथेनॉल, मुझे लगता है इसका जवाब आप दे सकते, इसमें डाल दिया साइक्लोहेक्सीन, तो आपसे पूछ रहा है कि बेटा इनका जो मिक्सचर है वो कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड वाई, तीन नंबर का एक्सप्लेनेशन देना, तो समझ लो लिखा तो है पांचवें पेज, देखो ये इथेनॉल है, ध्यान देना जरा सी, ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, कई सारे मॉलिक्यूल ले लिए, भाई बर्तन में जब डालोगे सॉल्यूशन तो कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, बताओ ओआरएच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बाहर से मैंने डाल दिया साइक्लोहेक्सीन, अब साइक्लोहेक्सीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता नहीं, तो वो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था बाहर से डालोगे वो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दो, क्योंकि उसका नेचर इसके जैसा नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसमें नहीं हो रही, तो वो क्या करता है, जो दोस्ती हो रही थी आपस में इनकी सिमिलर मॉलिक्यूल को उसे तोड़ देता, तो आप बताइए अगर ये इसे तोड़ेगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, दूर दूर भागेंगे, अब दूर दूर भागेंगे तो वॉल्यूम जो होगा मिक्सचर का बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, बढ़ने को क्या बोलते हैं पॉजिटिव, हो गया प्रूफ, दूसरा बताऊं एक्सप्लेनेशन, बता जब ये इसे तोड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी या मिलेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ी को क्या बोलते हैं भैया, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब पॉजिटिव, तो ये दो कारण आपको देनी, लिखना कैसे है
पांचवें पेज पे लिखा हुआ है, चाहो तो देखो, ये लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन, फिगर बना के बकायदा लिखा हुआ, बताइए हो गया क्लियर? ये थे हमारे 12-14 नंबर के क्वेश्चन जो तैयार हो, इनको ढंग से तैयार करना, हो गया क्लियर? चलिए देखिए, थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप क्या देखेंगे, बड़ी प्रॉब्लम आती है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल लर्न करने में, तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट की बनाई है जिससे आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल इजीली तरीके से समझ में आ जाएंगे। मैक्सिमम एग्जाम्पल देखिए, पहला हम ले रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें जो मिक्सचर है इनका नेचर सेम होना चाहिए। ये क्या है इथाइल, ये भी इथाइल है, ये क्या है एल्कीन, ये भी एल्कीन है, ये क्या है बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन रिंग है, ये क्या है ब्यूटाइल, ये भी ब्यूटाइल है। तो नेचर अगर सेम नजर आए तो समझ लेना आइडियल है। सेम एल्काइल है, एल्कीन, ये बेंजीन रिंग, ये एल्काइल, है ना, नेचर सेम, तो आइडियल। अब नॉन आइडियल के दो पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। देखो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल याद रखनी है तो कभी भी जर्नली एक आध एग्जांपल छोड़ के कभी भी एल्कोहल आ जाए, देखिए आप एल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सीन, एल्कोहल प्लस एसीटोन, एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल वाटर, तो याद रख लो ट्रिक ये है कि अगर एल्कोहल कोई सी भी हो प्लस कुछ आ जाए तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, या CCl4 के संग कुछ आ जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड टोलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म, तो याद रखो एल्कोहल और CCl4 के संग कुछ आ जाए तो वो जर्नली पॉजिटिव डेविएशन होगा। देखो एक आध दो एक्सेप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, 90% एग्जाम्पल इससे सॉल्व हो जाएंगे कि एल्कोहल के सामने कुछ आ जाए तो वो आप समझ लेना प्रोबेबिलिटी यही है वो पॉजिटिव डेविएशन होगा। नेगेटिव डेविएशन में बढ़े तो आप ढंग से देखो, ये कौन है, एसिड, एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो अगर आपको कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक एसिड दिखाई दे जाए, यहां लिख देता हूं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक एसिड आ जाए प्लस समथिंग, कोई भी एसिड हो उसके संग कुछ भी हो, एसिड अगर है तो समझ लेना वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और ऐसे ही जहां पर जैसे CCl4 था, यहां क्लोरोफॉर्म के संग कुछ दिखाई दे जाए आपको, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म HNO3, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, सबसे कीमती एग्जांपल ये प्रूफ भी करने को आता है, जो हम जब आपको पढ़ा रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन तब इसका एग्जांपल हमने आपको बताया था, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो अगर कभी क्लोरोफॉर्म के संग कुछ दिखाई दे या एसिड के संग कुछ दिखाई दे तो समझ लेना वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो एसिड प्लस समथिंग या क्लोरोफॉर्म प्लस समथिंग, ये वाला एग्जांपल ध्यान रखें, ये नेगेटिव डेविएशन का है। तो मुझे लगता है इससे आपके मैक्सिमम एग्जांपल सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।